सतनाम सत्सर। हम लोग कलयुग के और सतयुग के मध्य काल में जी रहे हैं, या कहें कि कलयुग समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज से पहले कलयुग था जब मानव मानव का दुश्मन था, और उस दूसरे मानव को जो दूसरे मानव को सता रहा था उसे उसकी सजा नहीं मिलती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अब इस समय में कल के अवतार जी आने वाले हैं, जो एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। सभी धर्म के व्यक्ति उस कार्य को मानते भी हैं कि जो कल के अवतार जी आएंगे वह सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक कर देंगे। बाइबल में भी, ईसाई धर्म में बाइबल में भी लिखा है कि जो सेकंड कमिंग जीसस आ रहे हैं वह जाति जाति के व्यक्तियों को एक कर देगा। अर्थात जो विभिन्न जाति या वर्ग या धर्म के रूप में आपस में बटे हुए व्यक्ति हैं, अपने आप को अलग समझ रहे हैं, तो वह आकर के उन सब को एक कर देंगे। तो लेकिन यह सोचने और समझने वाली बात है कि किस तरह से एक कर देंगे। क्या वह सभी को डरा धमका करके एक कर देंगे? यदि ऐसा करते हैं तो वह इस समय जो है यहाँ पर संविधान लागू है तो वह उसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी अगर ऐसा करते हैं, डराने धमकाने का कार्य करते हैं, एक तरह से तानाशाही करते हैं, तो वह उसके जो एक कानून बना हुआ है उसके विरुद्ध हैं। लेकिन श्री कल के अवतार जी ऐसे नहीं करेंगे। श्री कल के अवतार जी धार्मिक रूप से हम सभी को एक कर देंगे। अर्थात जो धर्म का जो मर्म है ना, जो धर्म का मूल सिद्धांत है, वह श्री कल के अवतार जी को पता होगा कि धर्म का मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, और सभी धर्मों के व्यक्ति उस मुख्य मार्ग के आसपास ही हैं, लेकिन मुख्य मार्ग पे ना चल करके अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। तो श्री कल के अवतार जी उस मुख्य मार्ग को बताएंगे, जिसको समझ करके चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यानी संत मत से हो, वह सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और वह सब वह मुख्य मार्ग जो है वह इन विभिन्न धर्मों की जो मुख्य पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें वर्णित है और लिखित है। तो जब हम सभी व्यक्ति उस मार्ग को अपनाएंगे तो हम सभी, यानी जो जाति जाति में बटे हुए हैं, धर्म के रूप में बटे हुए हैं, वह सभी एक हो जाएंगे। तो और यह मार्ग जाता है ध्यान योग के द्वारा। मन को एकाग्र करने वाली विधि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखी गई है, और जब मन एकाग्र होता है तब व्यक्ति या साधक उच्च कोटि के सदाचरण धारण करता है, जिसको संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता कहते हैं हिंदू या बौद्ध धर्म में, और ईसाई धर्म में भी इसको 10 आज्ञाएं कहते हैं। बौद्ध धर्म में इस तरह के आचरण को पंचशील कहते हैं, और इस्लाम धर्म में इसको कहते हैं कि ईमान लाना। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा आप दूसरे के लिए भी कार्य करें, आचरण करें। तो यह कल की अवतार जी का जो मुख्य कार्य है वह सभी धर्मों के व्यक्तियों को एक मार्ग प्रदान करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि श्री कल के अवतार जी आकर के दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों का जनसंहार करेंगे, यह कार्य तो हमारी प्रकृति माता भी कर रही है और करेगी, क्योंकि विभिन्न तरह की आपदाएं लाकर, विभिन्न तरह की बीमारियां ला करके यह प्रकृति के द्वारा जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका संहार प्रकृति के द्वारा होना है। लेकिन जो श्री कल के अवतार जी का प्रमुख कार्य होगा वह विभिन्न धर्मों में बटे हुए व्यक्तियों को एक मुख्य मार्ग पर लाना है।
आईएएस और बड़े ध्यान योग करें। हम सभी लोग मुख्य मार्ग से जुड़े। सतनाम सत्साई।